नमामि देवी नर्मदे। हमारी संस्कृति के अनुसार गंगा का आचमन करने से और यमुना में स्नान करने से पापों का नाश होता है, किंतु नर्मदा के दर्शन मात्र से ही सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः भारत की सबसे पवित्र 9 नदियों में से एक है नर्मदा। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के अमरकंटक पर्वत में से उद्गम होकर नर्मदा कुंड तालाब में से प्रवाह स्वरूप मध्य प्रदेश और गुजरात राज्य में 1312 किलोमीटर पश्चिम की ओर बहकर भरूच से निकट खंभात की खाड़ी में अरब सागर को मिलती है। भारत की पांचवी सबसे बड़ी व पश्चिम दिशा में बहने वाली सबसे लंबी नदी नर्मदा को हिंदू परंपरा में नर्मदा माता या मां नर्मदा कहा जाता है। नर्मदा नदी का इतिहास 5 लाख वर्ष पुराना बताया जाता है। लाखों लोगों की आस्था का प्रतीक इस नदी का वर्णन हिंदू धार्मिक ग्रंथों, वेदों और पुराणों में भी किया गया है। वेद व्यास ने स्कंद पुराण में नर्मदा नदी का उल्लेख रेवा के रूप में किया है। इसके तट पर रामायण और महाभारत काल के आश्रम एवं तपोस्थल हैं। शास्त्रोक्त वचनों के अनुसार लिंग स्वरूप भगवान शिव अमरकंटक पर्वत के रूप में प्रकट हुए और उस पर्वत के हृदय में से नर्मदा निकली। तब उसने शिव जी की स्तुति की तो शिव जी ने वरदान दिया कि हे नर्मदे, तुम्हारे तट पर जितने भी पत्थर हैं वे सब मेरे शिवलिंग रूप हो जाएंगे और तुम्हारे दर्शन मात्र से संपूर्ण पापों का निवारण हो जाएगा। इसलिए नर्मदा का हर कंकड़ शंकर है। दुनिया की सभी नदियों में से नर्मदा एकमात्र नदी है जिसके बारे में नर्मदा पुराण उपलब्ध है। दूसरी शताब्दी में ग्रीक भूगोलवेत्ता टॉलेमी ने नर्मदे के नाम से इसका उल्लेख किया है। साधकों की साधना भूमि मां नर्मदा के तट पर श्री आदि शंकराचार्य अपने गुरु गोविंद भगवत पाद से मिले और उनसे दीक्षा ली। इसके तट पर साधना करते हुए आदि शंकराचार्य जी महाराज ने त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नर्मदाष्टक से नर्मदा मैया की स्तुति भी की है। पुरातन परंपरा से प्रवाहित नर्मदा नदी की सबसे पवित्र पूजा है नर्मदा नदी की परिक्रमा। नर्मदा विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जिसकी परिक्रमा की जाती है, जिसमें तीर्थयात्री समुद्र से चलकर नर्मदा के एक किनारे तक पहुंचते हैं और नर्मदा के उद्गम स्थल के चारों ओर घूमते हुए दूसरे किनारे पर समुद्र तक आते हैं। परिक्रमा के दौरान श्रद्धालु भक्तों को नर्मदा नदी के दोनों तटों पर अति प्राचीन अमरकंटक एवं कोटितीर्थ, कपिलधारा, ओंकार मानधाता, सहस्रधारा, शूलपाणेश्वर, महेश्वर, विमलेश्वर, संगमेश्वर, हरणेश्वर के संगम स्थान पर स्थित हरणी संगम, गरुड़ेश्वर, चांदोद, करनाली, कुबेर भंडारी, नारेश्वर, शुक्ल तीर्थ आदि कुल 238 तीर्थों के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त होता है। इन सब तीर्थों में नीलकंठ धाम पोईचा का नाम प्रथम पंक्ति में है। यहाँ प्रभु प्रसाद रूप भोजन, रहने के लिए आवास और स्वास्थ्यप्रद दवाइयां से परिक्रमा वासियों की सेवा की जाती है। नीलकंठ धाम में भगवान स्वामीनारायण के नीलकंठ स्वरूप के साथ साथ राम श्याम घनश्याम के मंदिर, हनुमान जी मंदिर, 24 अवतार मंदिर, प्रतिदिन प्रातःकाल में 108 लीटर गाय के दूध से नीलकंठ प्रभु का अभिषेक, विविध पूजा सामग्री से षोडशोपचार पूजन, कावड़ यात्रा द्वारा नीलकंठ प्रभु को 108 वाणगी से युक्त 56 भोग, अन्नकूट निवेदन, भगवान के अभिषेक के लिए नर्मदा नदी का पवित्र नीर लाने हेतु जल यात्रा, हाथी पर विराजमान भगवान श्रीहरि की विशाल नगर यात्रा, संध्या काल में भव्य महारानी राजन आरती, पंच वर्तमान से पूर्ण धन स्त्री के त्यागी पवित्र संतों का सान्निध्य, गाय की सेवा पूजा के लिए गौशाला आदि के दर्शन से परिक्रमा वासियों के मन में आध्यात्मिक भाव उमटता है। नीलकंठ धाम में बह रही भक्ति भागीरथी का लाभ लेने समग्र भारत और विश्व भर से प्रतिदिन अनंत श्रद्धालु आते हैं। यह नीलकंठ धाम शोभा बढ़ा रहा है नर्मदा नदी की। पतझड़ पेड़ वन जंगल में तुम ठंडी छांव सी लगती हो, हे मां नर्मदा तुम्हें नमन। बहते दरिया से जीवन में
थमी नाव सी लगती हो। हे माँ नर्मदा तुम्हें नमन, देखकर तव भव्य स्वरूप धन्य है हमारे नयन। हे माँ नर्मदा तुम्हें नमन। नर्मदा में कई नदियां मिलती हैं, जिनमें उत्तर की ओर से हिरण नदी, दाहिनी ओर से बरना कोलार और ओरसंग नदियां तथा सातपुड़ा पर्वतमाला के उत्तरी ढलान पर बंजार, शेर, शक्कर, गंजाल, तवा, नानी तवा और कुंडी नदियां का मिलन मां नर्मदा से होता है। अनूपपुर में कपिलधारा एवं दुग्धधारा जलप्रपात, जबलपुर के भेड़ाघाट में धुआंधार जलप्रपात, खरगोन के महेश्वर में सहस्रधारा जलप्रपात एवं दर्दी जलप्रपात और मानधाता जलप्रपात के इस स्वरूप में बहने वाली नर्मदा निरंतर नौतम नाद आनंद की आराधना है। नर्मदा नदी के तट पर कई प्रसिद्ध शहर विकसित हुए हैं, जिसमें मांडला, जबलपुर, होशंगाबाद, महेश्वर, ओंकारेश्वर, गरुड़ेश्वर, सिनोर, करनाली, हाम्फेश्वर, हापेश्वर, अंकलेश्वर, भरूच उल्लेखनीय हैं। रेवा, अमरजा, रुद्रकन्या, मैकल कन्या आदि नामों से प्रसिद्ध नर्मदा नदी का पर्यावरणीय क्षेत्र में परम योगदान है। मां नर्मदा विविध वनस्पतियों और जीवों का घर है। इस नदी का विराट जल प्रवाह एवं अद्वितीय तट वनस्पतियों और जीवों के जीवन संतुलन को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात तीन राज्यों में से बहकर आसपास के विस्तार को सूजलाम सूफलाम कर देने वाली इस नर्मदा नदी को जीवन रेखा की परम उपमा दी गई है। मध्य प्रदेश राज्य की भी सबसे बड़ी नदी के रूप में बहने वाली नर्मदा नदी पर दो बड़े बांध हैं। एक है मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास बरगी बांध और दूसरा है गुजरात में केवड़िया स्थित सरदार सरोवर बांध। यह सरदार सरोवर बांध भाखरा और लखवत के बाद भारत का तीसरा सबसे ऊंचा कॉन्क्रीट बांध है। इस बांध द्वारा निर्मित नर्मदा नदी के विशाल जल संग्रह से सरदार सरोवर सिंचाई परियोजना के माध्यम से गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान जैसे भारत के पश्चिमी राज्यों को कृषि, उद्योग और घरेलू उपयोग के लिए पानी एवं विद्युत उत्पादन से बिजली मिल रही है। सरदार सरोवर बांध के सामने नर्मदा नदी के द्वीप पर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल की एक सर्वोच्च प्रतिमा है। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और सम्मानित स्वतंत्रता सेनानी सरदार पटेल की याद में निर्मित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देश का गौरव बन गया है। एकता और शांति का प्रतीक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है और दुनिया भर से अनगिनत पर्यटकों को आकर्षित करती है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी मुगट है नर्मदा नदी का इस तरह सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, पर्यावरणीय महत्व से युक्त नर्मदा नदी वास्तव में हम सबकी माता है। नर्मदा नदी की यह गौरव गाथा नर्मदा मैया के चरणों में अर्पण। नर्मदे हर, जय श्री स्वामी नारायण।